चलो पहले खुश हो जाओ, इस चक्कर में सीव्यू मत आ जाना, जैसे तस्वीर में ही दिख रहा है भाई, जो भी दिख रहा है। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, साथ के इंसान का सिग्नेचर तो आपको दिखाएं, वो तो हमने आपको दिखाया नहीं अभी। ये रहा साथ के इंसान का सिग्नेचर। पहले आपको मैं गैलरी की दिखाऊंगा, सीलिंग, सीलिंग पे आप काम देखो, ये सारा हाथ का काम है यार, कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये देखें सातकैन गैलरी ऑफ फ्रेयर हॉल, इसमें सातकैन साहब की पेंटिंग्स और दूसरे आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इससे पहले मैं आपको गैलरी की फ़ोटोज़ दिखाऊं, गैलरीज की बाकी चीज़ें दिखाऊं, पहले आपको मैं गैलरी की दिखाऊंगा, सीलिंग, सीलिंग पे आप काम देखो, ये सारा हाथ का काम है यार, कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। ये हाथ इससे ज़्यादा घूम नहीं सकता, अब मैं आपको सामने से जाकर इसका दूसरा एंगल दिखाता हूँ। ये जो यूरोप जा जा के रोते हो ना, उन्होंने ये किया हुआ, उन्होंने ये किया हुआ, ये अपना आर्ट भी आकर कभी देखो टाइम निकाल कर, कराची में फ्रेयर हॉल के अंदर। सीलिंग चेक करो यार, क्या काम हुआ हुआ, जबरदस्त यार, बहुत खूबसूरत है। फिर यहाँ मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं, ये देखो, अच्छा काम कहीं का भी हो उसको प्रमोट करना चाहिए इक्वली। आर्ट और अच्छी चीज़ें हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं होती, अच्छी चीज़ अच्छी होती है, बुरी चीज़ बुरी होती है, वो कहीं भी हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग अप्रिशिएट इस तरह करते हैं कि वो हमसे आगे, वो हमसे बेहतर, तो यहाँ भी बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर लोग हैं। चलो पहले खुश हो जाओ, इस चक्कर में सीव्यू मत आ जाना, ये सिर्फ तस्वीर में ही दिख रहा है भाई, जो भी दिख रहा है। अच्छा आ जाओ आगे, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत मशहूर शेर लिखा हुआ है, ये देखो, खोल आंख जमी देख फलक देख फजा देख। मौल्य वाली नहीं भाई, कौन सी फलक, फलक आसमान, फजा जो है वो हवा, फजा फजा होती है यार, अब उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में पता नहीं। मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। पेंटिंग्स बहुत कमाल किए हैं, इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल। अच्छा एक सेकेंड साथ के इंसान का सिग्नेचर तो आपको दिखाएं, वो तो हमने आपको दिखाया नहीं अभी। ये रहा साथ के इंसान का सिग्नेचर। हर पेंटिंग पे ना आर्टिस्ट अपना सिग्नेचर करता है। ये आर्ट वर्क देखें यहाँ का, इस साइड का, अरे अच्छा ये जिग्सॉ पजल्स टाइप का बनाया है, मुझे लगा अल्बाइनो बनाया है, ये देखा, अमेजिंग यार। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तो मुझे समझ कभी भी नहीं आया, ये वाला समझ आ जाता है फिर थोड़ा बहुत। मसूद अख्तर साहब की है ये, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिग्नेचर किस तरह से यूज होते हैं। इस फोटो पर भी, फोटो तो नहीं है यार, क्या हो गया मुझे, इरसा खालिद, ये इरसा खालिद की है, सो इट्स ब्यूटीफुल। बाकी गैलरी पे भी मैं आपको दिखाता हूँ चल के बराबर वाली साइड पर, आप इसकी सिर्फ आप उसका सीलिंग इंजॉय करो यार, इट्स ब्यूटीफुल यार। सो यूरोप जाकर ये बोलना कि जी वहाँ बड़ा आर्ट है, ये है, बिल्कुल है, है ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना जो लोकल आर्ट है, सातकैन साहब का जो आर्ट है, इसके अलावा और भी जो आर्टिस्ट्स हैं उनका आर्ट भी यहाँ पर अच्छी शक्ल में मौजूद है, अच्छी हालत में मौजूद है, इसको भी एक्सप्लोर करें। और ये आर्ट और इस तरह की चीज़ें कोई किसी एक की विरासत नहीं होती, ये कलेक्टिव विजडम होते हैं, आप इससे फ़ायदा उठाएं, इसको अप्रिशिएट करें जहाँ भी मिले। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ों का है तो हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मुसलमानों का है तो हम करेंगे नहीं, जिसका भी हो, अच्छी चीज़ जिसकी भी हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा अभी चल रहा है काम, एक्चुअली हम शायद गलत जगह आ गए। गैलरी यहाँ से बंद है, सिर्फ वहीं वो फर्स्ट रूम ही है, ओके। अच्छा सॉरी, हम कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर आ गए, रेनोवेशन का काम चल रहा है एक्चुअली अभी, और अभी ये इट्स नॉट ओपन टू पब्लिक, ये पब्लिक के लिए बाद में ओपन होगी रेनोवेशन के काम के बाद।